हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हम बी यूनिवर्सिटी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के SIS रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल का जो SIS रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, हमको किस तरह से करना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ वो आप मिस कर दोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, बी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आपको गूगल में सर्च करना है BU MP ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, BU भोपाल MP ऑनलाइन सर्च करना है। तो इसके बाद में आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करते हैं सभी के साथ में, जिससे सभी को इसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी। और कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज हैं वो हमको दिखाई देगी, जो कि हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं, इसमें से हमको अपनी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम SIS रजिस्ट्रेशन की एक सर्विस है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए आ चुकी है वो सर्विसेज, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। हमको इसी लिंक के माध्यम से हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम SIS का रजिस्ट्रेशन करना है। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सेकंड लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर SIS और यहाँ पर दिखाई दे रहा है अप्लाई, तो हमको अप्लाई वाले बटन पर जो कि क्लिक कर देना होगा। लेकिन दोस्तों, आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं और आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, तो इस फोन नंबर पर लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसका प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं, तो थर्ड वाली लिंक से आप प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट लॉगिन वाली ID जो कि लिंक से फर्स्ट नंबर पर लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको सेकंड लिंक का यूज करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर SIS। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सॉरी रजिस्ट्रेशन करने की जो लिंक आ चुकी है, अब यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर हमको अपना फॉर्म भरने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि फिल करना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्च क्राइटेरिया। तो सर्च क्राइटेरिया में हमको क्या फिल करना है, सबसे पहले हमको अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर फिल करना होगा। इसके बाद में हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो आंसर में आपको डाल देना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। तो दोस्तों, इस फॉर्म में सबसे पहले हमारी स्टूडेंट डिटेल्स दिखाई देंगी। स्टूडेंट डिटेल्स में हमको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले हमारा कॉलेज का नाम दिखाई देगा, यानी कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम दिखाई देगा, साथ ही किस कोर्स में हमने एडमिशन लिया वो यहाँ पर दिखाई देगा। आपका नाम दिखाई देगा, आपका एनरोलमेंट नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देने वाली, आपका जेंडर, आपका फादर्स नेम दिखाई देगा। और दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं एनरोलमेंट नंबर के आगे लिखा गया है, प्लीज़ नोट योर एनरोलमेंट नंबर केयरफुली, योर एनरोलमेंट नंबर इज योर यूजर आईडी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी यूजर आईडी हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है, और यहाँ पर हमारा फोटो एंड सिग्नेचर हमको दिखाई देने वाला है। ओके, अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी हमको फिल करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब तक आप फिल नहीं करोगे तब तक आप अपने फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी फिल करनी है जो हमेशा आपके पास में रहे, यानी कि चालू रहे। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन आईडी में इसमें डाल दो, क्योंकि फिर दोस्तों आपको भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालें जो आपको हमेशा याद रहती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको हिंट क्वेश्चंस डालना है, हिंट क्वेश्चंस एंड हिंट आंसर। तो हिंट क्वेश्चंस और हिंट आंसर यहाँ पर हमको क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हिंट क्वेश्चंस में आपको यहाँ से कोई भी एक चूँकि क्वेश्चंस है जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चंस क्यों सिलेक्ट करने का बोला जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम अपना पासवर्ड फॉरगेट करते हैं तो पासवर्ड फॉरगेट करते टाइम पर वहाँ पर एक ही लिंक आती है जो कि हिंट क्वेश्चंस वाली लिंक आती है। तो इसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको, जैसा कि हमने बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लिया, तो हमको हिंट आंसर में बर्थ सिटी डालनी होगी। जैसे कि आप कहीं पर रहते हैं तो भाई उसकी बर्थ सिटी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहां पर जो भी आंसर डालोगे वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड करते टाइम पर हमसे हिंट क्वेश्चन और हिंट आंसर पूछा जाता है। जब हम गलत डालोगे तो
हमारा पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो पाता है, हमें बहुत सारी परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। तो हिंट आंसर में हमको वही आंसर डालना है जो हमको हमेशा याद रह जाए, ओके। इसके बाद में दोस्तों हमको पासवर्ड सिलेक्ट करना है, तो पासवर्ड देखिए एक तो पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड कैसा बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसा कि मेरा नाम शुभम है, आपका जो भी नाम है आपके नाम के आधार पर बना सकते हैं। इसका मैंने इसका कैपिटल ले लिया और बाकी के सब लेटर हैं जो मैंने स्मॉल ले लिए। इसके बाद में हमको दोस्तों इसी एक स्पेशल कैरेक्टर लेना होगा, तो स्पेशल कैरेक्टर में आप यहां से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, ऐट द रेट हो गया, ऐसा कोई भी एक जो कि स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक ऐट द रेट ले लिया और इसके बाद में कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर लेना होगा, जैसा कि 1234 ले लिया, या यहाँ से आप 258456 है, या 123 आप मोबाइल नंबर ले सकती हैं आप। तो आपको इसी पैटर्न पर पासवर्ड बनाना है। आपको अपना पासवर्ड किस पैटर्न पर बनाना है, इस पैटर्न पर बनाना है। इस पैटर्न को जरा आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख कर आ जाएगा, मैं आपको जरा एक बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर पासवर्ड फिल कर दिया, और पासवर्ड फिल करने के बाद में जैसा ही हमने अपना पासवर्ड बनाया तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखकर आ गया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है हमारा पासवर्ड अब अच्छा बना है। अगर आप अपना पासवर्ड वीक बनाओगे तो वीक पासवर्ड लिखकर आ जाएगा, ओके। तो हमको वीक पासवर्ड नहीं बनाना है, हमको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कब बनेगा, जो मैंने पैटर्न बना बताया है उस पैटर्न के आधार पर हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। तो उसी पैटर्न के आधार पर हमको पासवर्ड बनाना है, और इस यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड वाले ऑप्शंस में हमको अपना वही पासवर्ड डालना है जो हमने यहाँ पर फिल किया है। तो जैसे ही हमारा पासवर्ड हम दोनों यहाँ दोनों बॉक्स में पासवर्ड एक जैसा डालेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा पासवर्ड मैच, यानी कि हमारा पासवर्ड मैच हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले आप आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सबमिट, तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, ओके। यहाँ से हम जल्दी सबमिट कर देते हैं। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो जाए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हमको अपना पेमेंट करना है, तो पेमेंट कितना करना है यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो यहाँ पर शो हो रही है, और हमको पेमेंट कितना करना है वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमको जो पेमेंट करना है वो करना है टोटल अमाउंट 25 रुपीज़। कितना पेमेंट करना है हमको, रजिस्ट्रेशन फ़ी 25 रुपये हमको पेमेंट करना है। यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग पेमेंट भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर 25 रुपीज़ रखी गई है। इसके बाद दोस्तों हमको वही चीज़ें दिखाई देंगी, स्टूडेंट डिटेल्स वगैरह सब चीज़ दिखाई देने वाली हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है, और इसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे, यानी कि वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। पेमेंट मोड, आपको किसके माध्यम से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्योस्क के माध्यम से, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर लीजिए। और पेमेंट होने के बाद में दोस्तों इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, पेमेंट जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट के बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, यानी कि पेमेंट आईडी आ जाएगी, क्यूआर कोड आपको दिखाई दे जाएगा। कहाँ पर आपको दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेम इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा, बस यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, आपने कब पेमेंट किया, उसकी तारीख, समय, यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी। और पेमेंट मोड, आपने किसके माध्यम से पेमेंट किया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके माध्यम से पेमेंट करोगे उसका पेमेंट आईडी यहां पर आ जाएगा, यानी कि पेमेंट मोड आ जाएगा। और इसके बाद इसका प्रिंटआउट निकाल लेना, प्रिंटआउट निकालने के बाद में आपको अपने अपने पास में संभाल कर इसको रख लेना, जिससे क्या भविष्य में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस यहीं थी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करने की। अगर दोस्तों आपको कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करें, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, ओके। तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।